क्या हाल है तुम्हारी अमीरी जेब में नहीं सीने पर डाली रही है। अमीरी सीने पर होनी चाहिए, जेब में नहीं होनी चाहिए। क्यों जेब में क्यों नहीं? क्योंकि जेब में इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अमीरी अगर जेब में होगी तो खत्म हो जाएगी। तो सीने पर क्यों होनी चाहिए? सीने से लगा के रखता हूँ मैं अमीरी। लेकिन वो फिर सीने से निकल नहीं सकती ना। बिल्कुल, वो सीने से निकल नहीं सकती, वो जेब से निकल सकती है। हाँ, लेकिन फिर सीने पर रखने का क्या तुक अगर अमीरी यहाँ तक है महदूद रहे। कल को अगर मैं गरीब हो गया, हाँ, तो लोगों को छाती दिखाओगे, बोलूंगा मैं अमीर था भाई। मैं अमीर था, मेरी छाती देख लो, मेरी अमीरी देख लो, मेरी अमीरी देख लो, अमीरी। ओके, आप बताओ, आपने कहा अमीरी की रखा है कहाँ? आपने हर जगह पर, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह। लड़की को यूं करे हर जगह अमीरी है। तो कौन सी एक महदूद जगह है जहाँ आपने अमीरी को छुपाया है? ऐसी जगह जो किसी को नहीं पता। या मुझे तो जानना है, प्लीज। ए भाई, बताना बताना भाई 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 मेरा भाई। अबे मैम को अब ये सवाल बताइए, जगह कौन सी है, क्या ये जगह छोटी है? बता नहीं सकती। अबे क्या है, मतलब कहाँ है वो जगह? मेरे ख्यालों में। वहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन ख्याल में वहाँ से नहीं जाते। ये ख्यालों में अमीर है। हाँ, ओके जी। तो यस फरियाल, क्या करती हो तुम? मैं शूट्स करती हूँ। क्या करती है? शूट्स वगैरह चल रहे हैं। और क्या करती हूँ? यूट्यूब पे व्लॉग वगैरह बनाती हूँ। बस बस यही करती हैं। ओके, इतना सा करती हैं? इतना सा कर, थोड़ा ज्यादा कर लेती हूँ। करती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। कहाँ काम करती हैं? घर के काम करती हूँ। घर पर काम करती हैं? क्या झाड़ू पोछे? नहीं नहीं, वो तो नॉर्मल हर कोई कर ही लेता है। आई बिलीव अगर अच्छा इंसान बनना है अपने घर को साफ रखना सीखो, चाहे वो लड़का ही लड़की हो। ये तो मुझमें बहुत है। हाँ, अभी तो आपने मना किया था घर के काम नहीं करती। घर के काम नहीं करती। तो क्या, कौन झाड़ू पोछा हर कोई कर लेता है। ओके, तो और क्या क्या करती है? और क्या, अभी शूट्स मेरे चल रहे थे आयरा खान में, आयरा खान सलोन में। 4 महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था, कल काशीज का शूट करके आई हूँ। ओके, फ्री की ब्रांडिंग करो उन सब की, उन्होंने तुम्हें पैसे दिए हमें मतलब सलोन शूट मैंने आपका नाम वहाँ बोला था, मैं इतनी वफादार हूँ। 4 महीने बाद 4 महीने आप बढ़ाएंगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट। तो लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, जहाँ उसके बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, उससे आप बड़ी डार्क चीज़ें भी देखते हो। तो कभी उन रोड्स पर गए हो जहाँ आपको लगा लाइफ ने एक बहुत ही बड़ा धचका मार दिया, इट्स वेरी डार्क रोड, यू कांट फेस इट, कभी उस वो चीज़ एक्सपीरियंस हुई है? बिल्कुल हुई है। ये चीज़ें स्ट्रगल टाइम में हुई हैं, फेस की हैं मैंने। और ऐसा होता था कि आपके पास कोई चीज़ आ जाती है ना, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, तो फिर आपके हाथ से वो चली जाए और कोई दूसरा बंदा उसको आपके सामने आपका ही बंदा कर रहा हो और आपको पता ना हो, तो बड़ा हर्ट होता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हो। ओके, आप दिल से उस चीज़ को चाहते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो जब वो दूसरे लोग कर रहे होते तो खुशी भी होती है कि अपने लोग कर रहे हैं, लेकिन दुख भी होता है कि पहले ये चीज़ मैं करने वाला था। ओके, तो व्हाट इज़ द बेस्ट, एक बेस्ट धोखा जो तुम्हें मिला? एक होता है ना, एक सबक होता है या कोई एक ऐसा करीबी दोस्त धक्का देता है, वो धक्का इंसान को बनाता है। वो होता तो धोखा ही है, लेकिन जब आप पीछे जाते हो आप उसका शुक्रिया अदा करते हो, क्योंकि आप बोलते हो अगर ये धोखा नहीं मिलता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। बिल्कुल ऐसा ही है। वो धोखा था मेरी लाइफ का एक शो, एक निजी चैनल का एक शो था, रियलिटी शो था, और उस शो का नाम था पाकिस्तान स्टार करके नाम था। उसका फाइनल नहीं हुआ, मैं उसका सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल तक में था। हाँ। तो उसके बाद पता चला कि उसका फाइनल नहीं हुआ। अगर उसका फाइनल हो जाता और अगर मैं फाइनल में ना होता तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता। क्यों? उसका फाइनल नहीं हुआ तो उस चैनल की ये अच्छाई थी कि उसके ऑल्टरनेट में उन्होंने हमें कुछ ऐसी चीज दे दी जिसकी वजह से वो होता है ना रातों रात स्टार बन जाना, रातों रात फैन फॉलोइंग और ये सब चीजें, वो मिल गई। ओके, तो जहां उन्होंने वो एपिसोड नहीं दिया उस तरीके से उन्होंने कंपेंसेट किया आपको, अलग-अलग फैसल भाई दानिश के साथ काम करने का मौका दिया, काफी लोगों के साथ फैसल भाई के साथ काम करने का मौका दिया, 3 घंटे की स्क्रीन दी, दानिश भाई के साथ काम करने का मौका दिया, साहिर भाई के साथ, आपके साथ, तो
अगर वो फाइनल हो जाता इट्स अ विन विन अगर वो फाइनल होता तो शायद ये नहीं होता बस फाइनल होता मैं शायद फाइनल नहीं जीत पाता और कोई और जीत जाता या अगर मैं जीत भी जाता तो मैं बस फाइनलिस्ट ही होता हां दैट्स इट अगर वो फाइनल हो जाता तो ओके आप बता अस्सलाम वालेकुम आप मेरे शो पर आई हुई है ये हमारा एक शो है यहाँ हम बातें करते हैं और सवाल होता है सवाल के साथ जवाब भी देना पड़ता है नहीं मैं सवाल भूल गई सवाल भूल गई इसका दिमाग किधर है ख्यालों में ख्यालों में मैं इसकी बात पे अब ख्याल में कौन आया था सवाल आना चाहिए ना वो नहीं आ रहा ओके ख्याल सवाल ये था दैट बेसिकली कोई एक ऐसा खूबसूरत धोखा जिसने तुम्हें बनाया हो खूबसूरत धोखा जिसने मुझे बनाया हो हाँ यही है कि जब मैं बोल पर थी मुझे बहुत से जैसे लोगों ने दोस्तों ने वहीं के नाम नहीं लूँगी लेकिन वहाँ के दोस्तों ने छोड़ो ये सब बेकार है और अच्छी प्रोडक्शन नहीं है ये नहीं है वो नहीं है मतलब अगर आज मतलब उस दिन कि मैं उनकी बात मान ली थी या बहुत से लोगों ने कटाने की भी कोशिश की थी उस टाइम पे कि नहीं नहीं ये इतना अच्छा प्ले नहीं कर रही या कुछ भी लेकिन ये कि वहाँ के प्रोड्यूसर्स वगैरह थे वो सारे उन लोग की बातों में नहीं आए लेकिन बहुत दोस्तों ने कोशिश की थी कि मैं साइड हो जाऊँ फिर मैं बिल्कुल साइड हो गई थी लाइक हट गई थी शो से एक हफ्ते के लिए तो फिर मैंने सोचा कि शायद अच्छा हुआ है लेकिन फिर यही हुआ कि जब कॉल करके बुलाया और जब वो लोग चले गए उनको हटा दिया था इस वहीं से ही बोल से तो ये था कि मुझे वो चीज़ सही लगती है उन लोगों की प्रोड्यूसर्स की कि बस मैं वहाँ चली गई इसने बहुत धोखे खाए बस मैं वहाँ चली गई प्रोड्यूसर्स की कि मैं प्रोड्यूसर्स के वहाँ चली गई क्यों भाई क्यों गई प्रोड्यूसर्स के वहाँ इसने धोखे बहुत खाए साफ करके कभी नहीं खाया बिल्कुल ख्याल में भी धोखा नहीं खा रही है दोस्तों से बहुत खाए हाँ मुंह क्यों खुला रखती हो सब कुछ खिला देते बोलती है उन लोगों ने मुझे बहुत कटाने की कोशिश की फिर मैंने उनको काट लेकिन मैंने उनको कटा दिया तुम क्या सोचो मैं तुम्हें काटूंगी मैं प्रोड्यूसर पर चली जाऊंगी ये था कि जब मैं नहीं थी सोशल वगैरह तो जब बोल में आई तो वहां से तो प्लेटफॉर्म मिला ओके चलो दैट्स वेरी नाइस दैट इज वेरी गुड